हेडिंग पड़ेगी, क्रिस क्रॉस रूल, हेडिंग पड़ेगी क्रिस क्रॉस रूल, क्रिस क्रॉस रूल। तो क्या होता है समझो, मान लिया हमारे पास कोई एटम ए है, उस पर प्लस थ्री का चार्ज है, और कोई एटम बी है उस पर माइनस टू का चार्ज है, ठीक है। तो कह रहे कंपाउंड क्या बनेगा बेटा, तो कह रहे कंपाउंड क्या बनेगा, तो याद रखना किस क्रॉस हो जाता है, इसका चार्ज इसके नीचे आ जाता है, इसका चार्ज इसके नीचे आ जाता है। फाइनली कंपाउंड क्या बनता है, ए टू बी थ्री, क्या बनता है ए टू बी थ्री, यही होता है क्रिस क्रॉस रूल। जैसे हमसे बोल दिया कि हमारा कोई एलिमेंट एक्स है, उसके आउटर सेल में तीन इलेक्ट्रॉन है, ठीक है तीन, और एक वाई है उसके आउटर सेल में छह इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। अब छह का मतलब क्या हो गया, ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए दो चाहिए, इसका मतलब क्या होगा एक्स टू पर प्लस थ्री होगा और वाई के ऊपर क्या होगा माइनस का टू होगा, क्योंकि इसको दो चाहिए, हम इसका छह नहीं रखेंगे, इसका कितना रखेंगे दो रखेंगे माइनस का, और क्रिस क्रॉस होगा क्या बनेगा एक्स टू वाई थ्री। देखो बेटा याद रखना, अगर हमको यहां पर देखो, अगर यहां पर वन टू थ्री फोर दिया हो तो हम कुछ नहीं करते, जितना दिया हो उतना ही रख देते हैं, लेकिन अगर फाइव सिक्स सेवन दिया होता है तो फाइव दिया है तो माइनस थ्री रखते हैं या प्लस थ्री रखते हैं, सिक्स दिया है तो माइनस टू या प्लस टू रखते हैं, और सेवन दिया है तो माइनस वन रखते हैं, प्लस में नहीं रखते, सॉरी, ठीक है ये याद रखना। अगर हमको पांच इलेक्ट्रॉन दिया है तो माइनस थ्री रखते हैं, क्या बेटा सो फोर में फोर ही रख देंगे, हाँ सिक्स में माइनस टू रखते हैं, सेवन में माइनस वन रखते हैं। जैसे एक क्वेश्चन हमारे पास, एक मेटल है उसके ऊपर उस पर प्लस वन का चार्ज है और ऑक्सीजन है दूसरा, तो ऑक्सीजन पर सिंपल सी बात है माइनस टू का चार्ज होगा, ठीक है, तो क्या बनेगा बेटा क्रिस क्रॉस से एम टू ओ बन जाएगा, क्या बन जाएगा कंपाउंड हमारा एम टू ओ कंपाउंड फॉर्म हो जाएगा, लिख लो, यही होता है क्रिस क्रॉस रूल। राइट डाउन, एन एटम ऑफ एन एलिमेंट, एन एटम ऑफ एलिमेंट, एन एटम ऑफ एलिमेंट, सर क्वेश्चन, एन एटम ऑफ एलिमेंट ए, एन एटम ऑफ एलिमेंट ए हैज टू इलेक्ट्रॉन इन आउटर सेल टू इलेक्ट्रॉन इन आउटर सेल एंड बी हैज फाइव इलेक्ट्रॉन एंड बी हैज फाइव इलेक्ट्रॉन एंड बी हैव फाइव इलेक्ट्रॉन देन व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड ए टू बी थ्री ए थ्री बी टू क्या बनेगा बेटा ए थ्री बी टू। देखो कैसे होगा, सिंपल सा लॉजिक लगेगा, आपको पता है ए पर कितना चार्ज है बेटा प्लस का टू है, बी पर फाइव है मतलब माइनस का थ्री हो जाएगा, क्रिस क्रॉस से क्या बनेगा ए थ्री बी टू। ओके ठीक है, ये कॉन्सेप्ट पूरा हुआ, आगे देखते हैं, हेडिंग डालो, हेडिंग पड़ेगी फॉर्मल चार्ज,
बिल्लियां कौन सी हेडिंग पड़ेगी? हेडिंग डालो फॉर्मल चार्ज। फॉर्मल चार्ज, फॉर्मल चार्ज का मतलब होता है जब किसी कंपाउंड में बहुत सारे एटम होते हैं और हर एक पर्टिकुलर एटम पर हमें अगर चार्ज देखना होता है तो उसे बोलते हैं हम लोग फॉर्मल चार्ज। मैंने क्या बोला, किसी पर्टिकुलर एटम पर चार्ज अगर देखना हो कि उस पर कितना चार्ज है तो हम लोग किसका यूज करते हैं, फॉर्मल चार्ज का यूज करते हैं, ठीक है ना। तो जरा लिखो, in any polyatomic ion charge is present in whole compound not in particular atom, चार्ज होता है पूरे कंपाउंड पर प्रेजेंट होता है, ना कि किसी पर्टिकुलर एटम पर प्रेजेंट होता है, ठीक है। आगे देखो, टू कैलकुलेट चार्ज, आगे लाइन से लिखो, टू कैलकुलेट चार्ज in individual atom, अलग अलग एटम में, इंडिविजुअल एटम, वी यूज concept of formal charge. अब हम लोग फॉर्मल चार्ज निकालते कैसे हैं, इसका फॉर्मूला क्या होता है? कॉन्सेप्ट ऑफ, अगर हमें फॉर्मल चार्ज निकालना है तो फॉर्मूला होता है बेटा, फॉर्मल चार्ज इक्वल टू होता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन, जिस पर फॉर्मल चार्ज निकालना है उसका, उस पर वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस लोन पेयर इलेक्ट्रॉन माइनस बॉन्ड पेयर, जितने भी उसने बॉन्ड बना रखे हैं, बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन। फॉर्मूला होता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस लोन पेयर इलेक्ट्रॉन और माइनस बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन। एग्जाम्पल से आपको समझाता हूं कैसे निकालते हैं बेटा, देखो एग्जाम्पल समझो पहले, नोट बांधने करना। एग्जाम्पल है NH4 पॉजिटिव में चारों हाइड्रोजन पर और नाइट्रोजन पर हमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालना है। तो सबसे पहले हम स्ट्रक्चर बनाएंगे नाइट्रोजन, इसका ये बनेगा, आपको बता चुका हूं पहले भी, एक मिनट बेटा जरा इंक में फिल कर लूं, जरा मार्कर लूं। ये हमारा NH4 पॉजिटिव है, ठीक है, मैंने बताया था इस पर होल चार्ज यहां होता है।
अब हमें सबसे पहले उस नाइट्रोजन पर निकालना है कि इस पर्टिकुलर नाइट्रोजन पर कितना चार्ज होगा। तो भाई ठीक है, नाइट्रोजन पे निकालना है तो हमें नाइट्रोजन की बात करनी है। नाइट्रोजन के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं बेटा? 5। कितने होते हैं? 5 इलेक्ट्रॉन वैलेंस में होते हैं। माइनस, यहाँ एक भी लोन पेयर इलेक्ट्रॉन नहीं है तो 0। माइनस, कितने बॉन्ड पेयर हैं? 1, 2, 3, 4। कितना आ गया बेटा? 1। मतलब कि इस नाइट्रोजन पर प्लस का 1 इलेक्ट्रॉन होगा, सॉरी प्लस का 1 चार्ज होगा, ठीक है ना। अब हम हाइड्रोजन पे निकाल, एक पे निकाल के बता रहा हूँ, हाइड्रोजन पे। हाइड्रोजन के वैलेंस में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 1। माइनस, लोन पेयर एक भी नहीं। माइनस, इसने कितने बॉन्ड बना रखे हैं? 1 बॉन्ड बना रखा है। बराबर कितना आ गया? 0। और वैसे भी हाइड्रोजन पर देखो कोई चार्ज नहीं है, वैसे भी हाइड्रोजन पर कोई चार्ज नहीं है, और इस नाइट्रोजन पर प्लस 1 होगा। अरे क्यों नहीं होगा यार, आपको पता है ना, मैंने जब NH4 पॉजिटिव का बनवाया था और बोला था कि हम क्या करते हैं, अगर किसी कंपाउंड पर पॉजिटिव चार्ज है तो वो पॉजिटिव चार्ज हम किसको दे देते हैं? सेंट्रल एटम को दे देते हैं। तो प्लस का 1 चार्ज था, इस पर वैसे भी कितना आना था? प्लस का 1 ही आना था, क्योंकि हमने इसको पहले ही प्लस का 1 दे रखा था। ओके सर, ठीक है ना। अभी रुको, अभी एग्जांपल और बताऊंगा, ऐसे नहीं छोड़ूंगा। रुको रुको रुको, अब देखो जैसे ये है CO2। सर इसमें हमें नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का अलग अलग निकालूंगा? अब नींद से उठो, पहले नींद से उठो। मैं क्या बोल रहा हूँ, पर्टिकुलर एटम मतलब अलग अलग सबका निकालना है। ओके सर। CO2 में देखो, सबसे पहले मैं कार्बन पे निकालूंगा। कार्बन के आउटर से 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। माइनस, यहाँ पर कार्बन के पास एक भी लोन पेयर नहीं है। 0। माइनस, इस कार्बन ने कितने बॉन्ड बना रखे हैं बेटा? इस कार्बन ने कितने बॉन्ड बना रखे हैं जरा बताओ? इस कार्बन ने 1, 2, 3, 4 बॉन्ड बना रखे हैं, तो कितना आ गया? 0। वैसे भी देखो इस पर कोई चार्ज नहीं है, न्यूट्रल है, तो कार्बन पर फॉर्मल चार्ज कितना आ गया? 0। ऑक्सीजन पे निकालो बेटा, यहाँ देखो दो दो लोन पेयर है। अब देखो इस ऑक्सीजन पे निकाल रहा हूँ, इस पे देखो बेटा, इस पर भी 0 ही आएगा, देख लेना। ऑक्सीजन के आउटर में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। माइनस, इसने इस पे लोन पेयर इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 1, 2, 3, 4, 4। माइनस, बॉन्ड कितने बेटा इसने बना रखे? 2। कितना आ गया? 0 आ गया, देख लो। वैसे भी कोई चार्ज इस पर नहीं है, और कितना आएगा? 0। आप देख के बता सकते हो इस पर फॉर्मल चार्ज कितना होगा बेटा, तो जितना उस पर हो। देखो बेटा अगला एग्जांपल हमारे पास है CO3 - 2। CO3 - 2, इसका स्ट्रक्चर कैसा बनेगा? आप सबको स्ट्रक्चर के बारे में पता है, इसका स्ट्रक्चर ये होता है, ठीक। अगर तुम नहीं भी देखो, वैसे जो माइनस के चार्ज है दोनों, ये हमारे ऑक्सीजन पे नहीं होते हैं, ठीक है। ये कहाँ होते हैं? अगर एक्चुअलिटी में देखा जाए बेटा, तो ये हमारे कहाँ होते हैं? ये कंपाउंड पे होते हैं। कहाँ होते हैं बेटा? ये कंपाउंड पर होते हैं, ठीक है। अब देखो जरा यहाँ पे, अगर हमसे कहता है इस पर फॉर्मल चार्ज निकालो, चलो निकालो। आपको पता है यहाँ पर एक ऑक्सीजन है, सिंगल बॉन्ड है, क्योंकि यहाँ माइनस चार्ज था, तो माइनस चार्ज था तो 6 इलेक्ट्रॉन आउटर सेल में होते हैं, एक बढ़ गया, 7 हो जाएंगे, ठीक है। सबसे पहले मैं कार्बन पे निकालूंगा, सबसे पहले कार्बन पे निकालूंगा, देख रहे बेटा कैसे निकालते हैं। देखो कार्बन, कार्बन के आउटर सेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। माइनस, एक भी लोन पेयर नहीं है। माइनस, इस कार्बन ने कितने बॉन्ड रखे हैं? 1, 2, 3, 4। 0, कोई चार्ज नहीं है। अब मैं बनाऊंगा इस ऑक्सीजन पे, नंबरिंग कर रहा हूँ, 1, 2, 3 नंबरिंग कर दे रहा हूँ। O1 पे निकालूंगा फॉर्मल चार्ज, O1 पे। देखो इस ऑक्सीजन पर आउटर सेल में ऑक्सीजन पे कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6 होते हैं, 6। माइनस, कितने लोन पर इलेक्ट्रॉन है बेटा इसमें? 1, 2, 3, 4, 5, 6। गिन लो, 5। 1, 2, 3, 4, 5, 6। माइनस, कितने बॉन्ड इस ऑक्सीजन ने कितने बॉन्ड बनाए? 1 बॉन्ड बेटा। कितना आ गया? माइनस का 1, वही माइनस का 1 आ गया, देख लो, जो वहां हमने रखा था वही माइनस का 1 आ गया। लोन पेयर 6 कैसे? लोन पेयर 6, ऑक्सीजन का उसमें तो 6 होते हैं, और एक उसमें कार्बन छोड़ना है, एक और बढ़ जाएगा, उसको नहीं लेंगे, वो तो है ही नहीं यहाँ पे, है कहाँ? सर एक तो पेयरिंग करेगा ना, उस कोवेलेंट बॉन्ड बनाने के लिए 5 बचने चाहिए बेटा।
एक माइनस चार्ज है वो बॉन्ड बना रहा है, पांच नहीं बचे, छह के छह है, वो माइनस चार्ज आ गया, यही माइनस चार्ज बॉन्ड बना रहा है। छह इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएगा, एक माइनस आ जाएगा ना, इसमें CO3 माइनस टू है। ओके सर, CO3 माइनस का टू है, हाँ, इस पे निकालो O2 पे। आउटर सेल में छह इलेक्ट्रॉन होते हैं, छह बॉन्ड, छह लोन पेयर भी है, इसने एक बॉन्ड बना रखा है, इस पर देखो माइनस वन आएगा। अब मैं इस पे निकाल रहा हूँ, देखना इस वाले को ऑक्सीजन से, देखो अब इसने, देखो इसके दो इलेक्ट्रॉन गए शेयरिंग में, क्योंकि इसके पास कोई चार्ज नहीं है। इस पर देखो ऑक्सीजन के पास छह इलेक्ट्रॉन होते हैं, लोन पेयर कितने हैं, एक दो तीन चार, माइनस बॉन्ड कितने हुए, एक दो, कितना आ गया, कोई चार्ज नहीं है वैसे भी, देखो जीरो है। देखो SO4 माइनस का टू, ऐसे ही तो बनेगा, बोलो बेटा, ठीक है। अब मुझे सल्फर पे निकालो, पहले सल्फर पे जीरो आएगा, नहीं निकालो, इन पर भी जीरो आएगा, जीरो आ निकालो, इससे कितना आएगा, माइनस वन, माइनस वन, निकालने की जरूरत ही नहीं है, माइनस वन। अब अपने आप को सांत्वना देंगे, निकाल लो, ऑक्सीजन पे छह होते हैं, माइनस यहाँ भी कितने छह, कितने बॉन्ड बन रखा, एक, कितना आ गया, माइनस का वन, इस पे निकाल लो, सिक्स इलेक्ट्रॉन होते हैं, यहाँ पर लोन पे इलेक्ट्रॉन चार है, दो बॉन्ड इसके बना रखे हैं बेटा, कितना हो गया, जीरो। देख लो एक भी चार्ज नहीं होगा, सी एच फोर, सी एच फोर। देखो भाई चलो कार्बन पे देखते हैं, सबसे पहले कार्बन पे देखो कितना आएगा, कार्बन के आउटर सेल में चार इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक भी लोन पेयर नहीं है, चार बॉन्ड बने हैं, कितना हो गया बेटा, जीरो हो गया। पीओ फोर माइनस का थ्री, आप सबको पता है कॉमन सेंस से, सर बताओ या ना बताओ, हमें पता है, इस पर माइनस वन, इस पर माइनस वन, इस पर माइनस वन, दोनों पे जीरो जीरो आएगा, बोलो हाँ कि ना, नहीं विश्वास निकाल के हाँ। देखो PO4 माइनस का थ्री, तुम्हें खुद पता है माइनस वन होगा, इस पर माइनस वन, इस पर माइनस वन, इस पर जीरो जीरो होगा, नहीं विश्वास तो निकाल लो, फॉस्फोरस के आर्डर से पांच इलेक्ट्रॉन होते हैं, माइनस, एक भी लोन पेयर नहीं है, जीरो, माइनस, बॉन्ड कितने हैं, एक दो तीन चार पांच, कितना आ गया बेटा, जीरो फॉर्मल चार्ज आ गया, मतलब उस पर कोई चार्ज, इस पर्टिकुलर एटम पर कोई चार्ज नहीं होगा, बोलो हाँ कि ना, अरे हाँ कि ना बोलो, यस सर, हाँ, पढ़ा के नोट करो, आज इतना ही रखेंगे।